तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें पार्टिकल का पाथ किस टाइप का है। ठीक, उससे पहले बेटा हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो कोई भी मोशन होता है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो या इलिप्टिकल मोशन हो, उसकी इक्वेशन क्या होती है। ठीक, तो इसके बारे में मैंने आप लोग को एक बार पहले भी कभी बताया था। जैसे सबसे पहली इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन किसकी होती है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किस चीज की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की, जिसमें ये m क्या होता है, दिस m इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्लोप का मतलब होता है वो लाइन x एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है। ठीक, c का मतलब होता है y एक्सिस पर जो उसका इंटरसेप्ट है, तो c का मतलब क्या हो गया, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। क्लियर। इसके अलावा और आपने जो एक पाथ पढ़ रखा है वो है सर्कुलर मोशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन किसकी है, सर्कुलर मोशन की है, मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर होगा तो उसका पाथ कैसा दिख रहा होगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का। सर्कुलर मोशन में होगा तो उसका पाथ कैसा दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइप का। ठीक, अगर यही पार्टिकल किसी पैराबोलिक पाथ में होगा तो उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइप की या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई टाइप की। देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अगर लिखा है तो पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा होगा। ठीक, इसी को उल्टा अगर हम कर दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कर दें, तो इसी पार्टिकल का जो पाथ है वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर माइनस लगा दें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो पार्टिकल जो है उसका पाथ जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। और अगर इसमें माइनस लगा दें, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, तो इसी पार्टिकल का पाथ नीचे की तरफ हो जाएगा, बट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ध्यान से देखो, पाथ का मतलब सिंपल सा है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर x और y के बीच में रिलेशन आ जाए तो हमें पाथ के बारे में पता चल जाएगा। इसमें x क्या है, x है x एक्सिस, मतलब x कोऑर्डिनेट। ठीक, y क्या है, y कोऑर्डिनेट। तो जब पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच में अगर आपको रिलेशन पता चल गया, इसका मतलब आपको उसका जो पाथ है वो पाथ समझ में आ गया। समझ में आया? तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो डेरिवेशन है उसमें ये बताओ, बेसिकली तुम क्या डिराइव करोगे, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये हमारा पहली बात तो एम है, दैट इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये अपने को निकालना है। अगर उस रिलेशन में एक्स और वाई दोनों की पावर 1 हो तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक, दोनों की पावर 2 हो और बीच में प्लस हो तब क्या है, सर्कुलर पाथ। किसी एक पर स्क्वायर हो और दूसरे पर स्क्वायर ना हो तो पैराबोलिक है। क्लियर। तो ये हमारा एम है, हम एक्स और वाई में रिलेशन निकालेंगे और चेक करेंगे इनमें से किस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, वैसे और भी बेटा पाथ होते हैं, ऐसा नहीं केवल तीन ही नहीं होते हैं, और भी टाइप के होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में मोस्टली यही तीन के बीच में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आते हैं उसमें देखते हैं। अब बात आई प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, तो देखो यार, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल को यहां से अगर हम लोग कोई यू स्पीड दे दें तो पार्टिकल ऐसे जाता है और ऐसे गिर जाता है। ठीक, तो आपने ये देखा कि अगर इसको हमने कुछ थीटा एंगल पर कोई स्पीड दे रखी है तो उस स्पीड के कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं। एक कॉम्पोनेंट जो इधर की तरफ है उसकी वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा, और जो इधर की तरफ है वो यू साइन थीटा। क्लियर। अब जब आप किसी पार्टिकल को ऐसे आगे की तरफ फेंकते हो, आपको रिलेशन निकालना है किसमें, किसमें, एक्स और वाई में। लेट अस सपोज जब पार्टिकल यहां कहीं पर है तब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स एक्सिस पे कितना चला, कितना चला एक्स, और वाई एक्सिस पे कितना चला वाई, यही हमको निकालना है सिर्फ। करेक्ट है। अब ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस एक्स की वैल्यू बताओ, कैसे बताओगे, ये एक्स क्या है,
बताइए। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन विच डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन, है ना? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन, वो बेटा एक्स डायरेक्शन के मोशन से मिलेगा। और आप सबको पता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन एक्स डायरेक्शन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन वाई डायरेक्शन, करेक्ट है? अगर एक्स डायरेक्शन में मोशन यूनिफॉर्म है तो फॉर्मूला भी एक ही है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो आप कहोगे सर ये एक्स डिस्टेंस ही तो है, इसलिए ये एक्स इज इक्वल टू स्पीड कितनी है? यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। क्लियर एकदम? अब बात आई कि सर हमें वाई भी चाहिए, क्योंकि रिलेशन तो एक्स और वाई में निकालना है, तो वाई भी चाहिए। वाई क्या है? दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में ये मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में अपने पास बोलो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो। तो यहां पर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होता ही है भाई, अर्थ ही तो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? तो आप कहोगे सर तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें तो सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर। अब ये बताओ एस कितना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई। यू का मतलब क्या होता है? इनिशियल स्पीड होता है ना, लेकिन किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। वो इनिशियल स्पीड कितनी है? सो यू साइन थीटा टी यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना होगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, तो एक्सेलरेशन चाहिए। अब ये बताओ ऑब्जेक्ट बेटा इनिशियली किधर जा रहा था? ऊपर। लेकिन एक्सेलरेशन किधर है? तो ये पॉजिटिव हुआ या निगेटिव हुआ? समझ आ रहा है ना सबको? तो आपने कहा सर एक्सेलरेशन है कितना? माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर टू। बात समझ में आई? अब आपको क्या करना है, यू विल हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। लेकिन ध्यान से देखो इक्वेशन वन क्या है। इक्वेशन वन इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी, और ये क्या है? वाई और टी में। समझ में आ रहा है? ये एक्स और टी में है, ये वाई और टी में है, हमको चाहिए एक्स और वाई में। तो किसको हटाएं? टी को। कैसे हटाएं? ऊपर से टी की वैल्यू निकालो, इसमें रख दो। बताओ पहले इक्वेशन से टी की वैल्यू कितनी आएगी? तो यू साइन थीटा इंटू टी की जगह अगर हम एक्स अपॉन यू कॉस थीटा लिख दें तो सही है। सो यू कॉस थीटा प्लस प्लस क्या? माइनस हो जाएगा ये वाला। सो माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यू से यू कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आ गई इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखो इस इक्वेशन में क्या ये सिंपली एक्स और वाई के बीच का रिलेशन है, या इसमें कहीं टाइम भी दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा है ना, मतलब ये सिंपली एक्स और वाई के बीच का रिलेशन आ गया जो अपने को निकालना था। और इस रिलेशन में चेक करो क्या एक्स और वाई दोनों की पावर हर जगह पर वन है, चेक करो। नहीं है क्या? दोनों की पावर टू है, दोनों की, एक्स और वाई दोनों की पावर कहीं पर भी टू दिख रही? दोनों की, केवल एक्स की दिख रही है, वाई की नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी में है? थर्ड कैटेगरी में। इसलिए आप नीचे लिखेंगे हेंस दिस पाथ इज पैराबोलिक। कुछ समझ आया? ठीक, दिस पाथ इज पैराबोलिक। और चेक करो, पैराबोला ऐसा है जिसमें एक्स पे स्क्वायर है लेकिन वाई पर स्क्वायर नहीं है। एक्स पे स्क्वायर वाई पे ये वाला केस, मतलब सेकेंड या फोर्थ होगा। बोलो यार, इसी पे तो है ना एक्स पे स्क्वायर, जबकि इन दोनों में तो वाई पे स्क्वायर है। तो ये दोनों वाला केस तो है नहीं, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। उसमें भी चेक करो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस। तो कौन से केस में माइनस होता है? इसमें। इसका मतलब पैराबोला किधर की तरफ खुलेगा? नीचे की तरफ। तो जरा चेक करो ये पाथ भी किधर की तरफ ओपन हो रहा है? नीचे। कुछ समझ आया? हो गया।